हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मसल डेवलपर गुरु में। मैं सरताज शेख, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा चेस्ट वर्कआउट के बारे में जो बिगिनर्स लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक्सरसाइज से, चेस्ट डंबल्स प्रेस से। तो शुरू आप लाइट वेट से कीजिए। ओके, आपका नीचे आने के समय पोजिशन सही होना चाहिए जैसा मेरा है बिल्कुल। ओके, और ऐसा बिल्कुल सीधा आपको डंबल्स सीधा लेना है। आपका एल्बो बैंड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं रखना, आपको बिल्कुल सीधा होना है, डंबल्स सीधा रखना है। ठीक है, फिर बाद में आपको हल्के धीरे से नीचे प्रेस करना है, फिर धीरे से ऊपर प्रेस करना है। ओके, नीचे लेने से बिल्कुल स्ट्रेस करें, ऊपर लें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। और इसका आपको 3 सेट करना, हर एक सेट में 15 से 20 रेपिटेशन करना। ओके, और सेकेंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। ओके, तो पहले आपको बताता हूँ मैं कि बेंच आपको कैसा सेट करना है। ओके, तो बेंच आपको पहला 45 डिग्री में लेना है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, और आपके अपने हाइट के हिसाब से आगे का सीट सेट कर ले। ओके, ठीक है, मैं अपने हिसाब से इतना ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो आपका पोजीशन बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, आपका डंबल्स चेस्ट के लेवल में बिल्कुल होना चाहिए। ओके, और धीरे से आपको ऊपर लेना है डंबल्स, और बिल्कुल आपका हाथ जो है सीधा होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं इतना पे लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं, तो आपको सीधा लेके बिल्कुल नीचे धीरे से ऐसा लेना है, फिर आपको ऊपर, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इसका आपको 3 सेट करना है, और हर एक सेट में 15 से 20 रेपिटेशन करना है। ओके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। थर्ड एक्सरसाइज डिक्लाइन चेस्ट प्रेस। ओके, तो आपको हम बता दें कि बेंच का पोजीशन बिल्कुल ऐसा लेना है। ओके, ठीक है, पोजीशन आप देख ले, बिल्कुल ऐसा ही पोजीशन होना चाहिए आपको। पोजीशन चेस्ट के नीचे बिल्कुल लेना है डंबल्स। ओके, डंबल्स आपका चेस्ट के नीचे रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से आपको इतना ऊपर लेना है। ओके, कुछ लोग होते हैं ये पोजीशन में लेते हैं, कुछ लोग होते हैं ये पोजीशन में लेते हैं, तो आपको पोजीशन बिल्कुल इतना पे लेना है। ठीक है, और आराम से आपको नीचे लेना है इतना। ठीक है, फिर ऊपर लेना, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन। इसका आपको 3 सेट करना है, और हर एक सेट में 15 से 20 रेपिटेशन करना है। ओके, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन। फोर्थ एक्सरसाइज चेस्ट फ्लाई। ओके, बेंच आप अपने हाइट के हिसाब से सेट कर लिए। ओके, आपको सीधा बैठना है बिल्कुल। ठीक है, और आपका चेस्ट बाहर होना चाहिए, चेस्ट बाहर निकालना है आपको, सीधा बैठना है, बाद में आपको ऐसा प्रेस करना है। ठीक है, फिर इतना पे लेना प्रेस। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इसका आपको 12 से 15 रेपिटेशन करना है हर एक सेट में। ओके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें मसल डेवलपर गुरु को, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें, और कुछ उसमें आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपन उस पर। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।